हे गाइस, वेलकम बैक टू द नदर सिलसिला। मैं होस्ट आप लोगों का दोस्त। तो गाइस, आज का धासु वीडियो में ले आ चुका हूं खतरनाक तरीका। एंड गाइस, आज का सिलसिला कुछ अलग ही मजला एंड आग लगे सिलसिला होने वाला है, क्योंकि यार गाइस, आज अपन बहुत सारा रैप्टर को केस करेंगे, मैप के इधर उधर फेंक देंगे, आई मीन छोड़ देंगे, एंड एक रैप्टर को अपन टेम भी करेंगे। तो यार गाइस, मेरे को पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम रैप्टर को केस में डालूंगा, मतलब केस करूंगा। एंड देर ना करते शुरू करते गाइस आज का खतरनाक वाला डेंजर सिलसिला बोलते पब्लिक। गाइस, मेरे को खुद को भी पता नहीं यार कैसे ट्रैप करना है, आई मीन ट्रैप नहीं तो केस करेंगे। एंड फर्स्ट टाइम अपन करेंगे केस रैप्टर को अलग ही अंदाज में। लास्ट टाइम अपन एक रैप्टर को टेम भी कर लेंगे एंड स्किन यूज करेंगे, बट उसके पहले अपन बहुत सारा रैप्टर को केस करेंगे, मैप के इधर उधर केस करके रख देंगे। और जो भी बंदा केस से उस रैप्टर को निकालेगा, मतलब वो रैप्टर उसके पीछे पड़ जाएगा। एंड लिटरली छोड़ो यार, जो भी है मेरे सामने एक रैप्टर दिख रहा है, फाइनली अपन उसको पहले करते हैं केस। तो मेरे को पता नहीं भाई, रैप्टर आ जा भाई, अंदर घुस जा। अरे अंदर भी घुस गया, इतना इजी केस। अरे भाई, मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है गाइस, इतना इजी केस। ओ भाई, ये कैसे कर लिया अपन ने? तो यार गाइस, लिटरली अपन ने पहला रैप्टर को तो केस कर लिया, बट कैसे किया, मतलब इतना इजी था, मेरे को समझ भी नहीं आया, ये तंग भी नहीं किया। तो यार गाइस, चोरो यार अपन और भी करेंगे एंड मजा आएगा, लिटरली मजा आएगा, बहुत सारा करेंगे, मजा आ गया गाइस लिटरली। इसको इजी पीजी केस के लिए मतलब समझ में कुछ नहीं है, कुछ ही सेकंड में वो खुद आके यार केस में हो गया। एंड भाई, अब इसको करेंगे आंखों पे थूकने। अरे ये मेरे को डायनो पसंद नहीं यार, आंखों पे थूकने वाला। यार हट यार, तेरे वजह चक्कर में मैं रैप्टर से ना पीट जाऊँ यार, रैप्टर मुझे जकड़ लेगा। नो, मुझे जंपिंग जोपाक। यस, अरे यहाँ पे एक ब्रायोनेक्स भी घूम रहा है। अब तो यार सिलसिला कुछ अलग ही हो गया गाइस, मेरे को लिटरली रिक्स लेने का ही नहीं। रुको जरा, पहले भाई तू आ जा यार, इसमें घुस जा यार। यो यो, ओह लेट हो गया, मैं गलती हो गया, लेट हो गया गाइस, मेरे को केस के पीछे चला जाना चाहिए था और ये इजी बीजी घुस जाता। बट लिटरली अब यार कुछ गुस्सा आ रहा है मेरे को ये थूकने वाले पे। एंड भाई, पहले मैं इस थूकने वाले को मार देते हैं। क्यों भाई, मेरे को तकलीफ क्यों देना है, मैं रैप्टर से खेल रहा हूँ, तेरे को पता नहीं क्या, रैप्टर यार जकड़ लेता है। एंड अब यार ब्रायोनेक्स भी आ गया, वाह वाह नाइस, वाह वाह, ये खतरनाक वाला 9 लेवल वाला रैप्टर का दुकान बंद हो गया। तो कोई नहीं गाइस, अपन और रैप्टर को करेंगे, बट ये ब्रायोनेक्स और आंखों के थूकने वाला ने मेरे को परेशान कर दिया, यानी लिटरली इसकी वजह से मेरे को थोड़ा क्या बोलूं, कुछ भी कर दिया इन दोनों ने। इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा मैं किसी और से खेल रहा हूँ, क्यों बीच में उंगलियाँ टांग आने आ जाती हूँ। अब यार, अब अपना जिंदगी, अब अपना जिंदगी मेरे को दे दो। मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया इन लोगों को मार के, और मेरा सारा जितना मेहनत था सारा किया बेकार, बर्बाद बेकार। तो यार कोई नहीं गाइस, अपन चलो यार, जोश नहीं हारेंगे, खोश नहीं खोंगे, और भी बहुत सारा करेंगे ट्रैप। अब ढूंढते नहीं, अब मैं तो मैप के दूसरे साइड पे चला जाऊंगा और उधर करेंगे, क्योंकि इधर नहीं करेंगे। अब चलो घूमते हैं। तो गाइस, मैं इधर आ चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कोई रैप्टर मिल जाएगा तो उसको यहाँ पे केस करेंगे एंड इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। एंड कोई भी इधर से जाएगा तो वो भी बोलेगा, वाह केस में रैप्टर, ये क्या है, किसने किया। तो यहाँ पे कुछ रैप्टर आए, रुको, आने दो, घुस जा भैया। हाँ गाइस, एक रैप्टर घुस गया, दूसरा आ गया, चलो ऑफ करते। अरे भैया, ये लिटरली क्या है, अरे ये क्या लैग था, कुछ भी लैग है या ग्लीच है गाइस, ये कैसे बाहर निकल गया जाम करके, कुछ भी चल रहा है यार। कोई नहीं यार, जिंदगी में ऐसे कभी कभी कुछ देखना पड़ता है, बट लिटरली उसको मेरे को, सॉरी यार, इसको मैं ट्रैप केस में डाल दूंगा। ओ भाई, किसने जिंदगी में भी नहीं देखा होगा, ऑनिक बाहर घूम रहा है, क्योंकि बाहर ऑनिक घूम रहा है। ओ भाई, ये क्या था, ये क्या चीज है, मेरे साथ आज क्या क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं रहा। आंखों पर थूकने वाला हाथ है यार, ऑनिक कहाँ से यार, बाबा रुको, भाई तू केस में है, तू किस में क्यों आया, ये ले डोर बंद। मजा आ गया ना, अब तू यहाँ पे सर मार, कुछ भी कर। तो गाइस, मैं चलता हूँ और भी ढूंढता हूँ और भी केस करते, लिटरली मजा आ गया। तो यार गाइस, मैं यहाँ पे एक अल्फा रैप्टर को केस करके फोटो खींचने का ट्राई कर रहा था, बट पता नहीं कहाँ से रैप्टर का झुंड आके मेरे को परेशान कर रहा है, और मेरे को यार क्या बोलूँ यार, मैं पहले इस रैप्टर को मारूँ यार, रैप्टर को मारता हूँ। ओ गाइस, मैं अल्फा रैप्टर को एक्चुअली क्या बोलूँ, केस करता ही नहीं, समझ पता है, मैं इन रैप्टरों के लिए केस बना रहा था, लिटरली कहाँ से अल्फा रैप्टर आके केस में घुस गया और मैंने डोर ऑफ कर दिया। तो लिटरली क्या बोलूँ यार, मतलब गलती से अल्फा रैप्टर को पता ही नहीं था अपन केस
बना रहे और गलती से घुसा और अपने केस कर दिया, मजा आ गया लिटरली। अपन को पता भी नहीं था कि यहाँ पर अल्फा रैप्टर भी है, अपन लिटरली इसको बना ही रहे थे। तो वो मेरे मुँह पे आ गया और मैं क्या करूँ, मैं कन्फ्यूज होकर इसको मतलब केस में बंद कर दिया। अब मजा आ गया ना, उसको मजा आ गया। रुको जरा, अब इसके जो डोर है उसमें मैं एक पिलर लगाऊंगा फिर इसको मार दूंगा, मजा आ जाएगा। चलो यार, मैं पहले फुर्सत में एक डोर का जुगाड़ करता हूँ, डोर नहीं पिलर का जुगाड़ करता हूँ। यार गाइस, मेरे को तो रैप्टर केसिंग बहुत पसंद आ रहा है, बहुत मजा आ गया यार। रैप्टर का बाप को भी अपन ने केस कर लिया, इससे ज्यादा और खुश की मतलब खुश किस्मत क्या हो सकते है, इससे ज्यादा अपन खुश और क्या हो सकते है। अपन ने रैप्टर का बाप को भी फाइनली केस में बंद कर दिया। तो गाइस लिटरली मजा आ गया, अपने अल्फा रैप्टर को भी केस में बंद कर दिया। ओ भाई, गलती से हो बट केस में तो आ गया ना, मेरे को पता ही नहीं था वो केस में आके बंद हो जाएगा। अपन तो नॉर्मल रैप्टर लेक के लिए बना रहे थे, वो कहाँ से आ गया मुँह पे वो उसको ही पता है कैसे, मतलब आके डायरेक्ट घुस गया, मेरे को कुछ करने का भी मौका नहीं मिला। तो मैंने डायरेक्ट जास्ट डोर पर ओप कर दिया और चलो यार इसको मार देते हैं। लिटरली अपन हम क्या कर रहे थे, रैप्टर को केस मैप के इधर उधर। भाई मर जा कभी, कमीना मर जा इधर अभी, क्या कमीना अल्फा रैप्टर मर जा। आज रैप्टर को इतना तंग करेंगे, रैप्टर भी सोचेगा क्यों हम लोगों को कोई इज्जत ही नहीं करता, क्योंकि यार रैप्टर हमको इतना परेशान करता। जा जिधर जाओ यार, रैप्टर आपको जकड़ के एकदम पकड़ के मार देता है। अब तो यार चीन गून गून के यार चीन के एकदम हिसाब लेंगे सब रैप्टर से। इतना तुम लोग इतना हम लोगों को क्यों परेशान करते हो यार। गाइस मैं और एक रैप्टर इधर केस करूंगा एंड आई होप ये इजी पीजी हो जाएगा। तो चलो इसको ओपन करते हैं। आजा भाई, ओ ये तो बहुत इजी हो रहा है। अरे भाई ये फिर से निकल गया, रुको ये निकल गया, मैं तो सोचा यार केस कर लिया। एंड लिटरली गाइस मैंने फास्ट बार ट्राई कर रहा, मतलब फास्ट टाइम ही किया मैंने, लिटरली कभी भी केस यूज नहीं किया क्योंकि मैंने बोला करके सीधा पकड़ लेता हूँ। बट मेरे को एक रैंडम सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई रैप्टरों को केस करके मैप में छोड़ दो। ये तो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? लिटरली भाई लव यू भाई तुम्हारा खतरनाक आइडिया के लिए। एंड चलो यार आप भी ऐसा कुछ खतरनाक आइडिया दो। तो गाइस लिटरली ये कहाँ से घूम के आ गया पता नहीं। एंड गाइस मेरे को और एक बोल रहे थे कि गली में से फुल मैप घूमो, तो गाइस वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा हो जाएगा गली में से फुल मैप घूमेंगे तो। आप आजा भाई, ओ नाइस, ऐसे तुम केज हो जाओगे तो भाई केस हो गया ना, तुम गलती कर दी रैप्टर। पर गाइस मजा आ गया लिटरली। अब चलो लास्ट एंड फाइनल रैप्टर को केस करके और फिर एक को टेम करते हैं। पर गाइस यहाँ पे मेरे को एक रैप्टर दिख रहा है, लेवल टेबल को तो गोली मारो यहाँ पर, लेवल कौन देखता है। अब आप उनको सिर्फ इसको केस करने पे मतलब है। अब चलो इसको केस करते हैं। ओ भाई क्या मजा आ रहा है यार लिटरली, मेरे को आज बहुत मजा आ गया, कितने सारे रैप्टर को केस किया पता नहीं, शायद 3-4 तो कर चुका हूँगा। एंड लिटरली अल्फा रैप्टर को भी गलती से वो खुद आके हमारा ट्रैप में फंस गया। ओए रैप्टर कहाँ गया यार, मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ पे तो था। ओए अपने केस बनाया रैप्टर, तू कहाँ गया, यहाँ पे आया ना इसके पीछे। ओए कमीना रैप्टर कहाँ है तू, आ जा यार, मैं तेरे लिए केस मिस बनाया। अरे मिल गया कहाँ गया, हाँ मिल गया। अरे मेरे केस के सामने क्यों घूम रहा है तू, केस में आ जा। तो चलो यार इस केस में इसको डाल देते हैं एंड फिर इसको टेम कर लेते हैं। यार लिटरली गाइस मजा आ गया। ओए आ जा यार, तू इसको मार नहीं पाएगा, मैं हेल्प करता हूँ, रुको जरा हेल्प कर देते हैं। अभी मेरे को मार, अभी नहीं मेरे को जकड़ना नहीं, जस्ट मार, जकड़ना नहीं, मार सकता है तो मार ले। अरे इधर नहीं घूम, अरे ठीक से आ जा। ओए यहाँ पे केस है रे, तेरे को यहाँ पे बंद करना है यार, आ जा यार, क्यों तंग कर रहे हमको। अरे हमको तंग मत कर यार, हमको टेम भी करना है ना इसको, फिर स्किन भी देख के स्किन भी लेना है टेलर। अरे जल्दी आ जाना यार, क्या तो गाइस रुको जरा। तो गाइस मेरे दिमाग में इतने देर बाद एक खतरनाक बत्ती जली, तो वो क्या है पता है, अपन ऐसे पहले सीधा केस के फ्रंट में बहुत दूर भाग जाएंगे, फिर रैप्टर आप उनका पीछे पीछे आएगा, फिर अपन सीधा दौड़ के चला जाएंगे, जाके सीधा केस के पीछे खड़ा हो जाएंगे और इस डोर को ओपन कर दे और ये आसानी से केस में आ जाता है गाइस, ये एक प्रो ट्रिक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये तो लिटरली मैं कुछ चूक गया, मेरा लैग की वजह से, इंटरनेट इशू की वजह से, मैं फिर से करता हूँ। तो यार गाइस अब फिर से मेरे को दिमाग में प्रो ट्रिक आ गया कि ऐसे आएगा और सीधा अपन ऐसे जाएंगे और इसके पीछे खड़ा हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली वो आ जाता है केस के अंदर एंड कर देते ऑफ। तो ये था लिटरली सब सिंपल एंड ईजी है।
मैंने इतने देर तक जो भी किया मेरे को पता नहीं क्या किया, बट ये है सबसे अच्छा एंड बेहतरीन तरीका, क्योंकि गाइस मैं खुद भी नया हूँ, ठीक है। मैं बहुत सारा रैप्टर को केज करने के बाद ये सबसे आसान केजिंग तरीका लगा मेरे को, एकदम इजी केजिंग तरीका है। एक केज बनाओ और फिर रैप्टर को अपना पीछे भगाओ, भाग के दूर मतलब उसके दूर ले जाओ, फिर तुम फटाफट आके उसका केज के मुंह के सामने से निकाल के पीछे आ जाना है और डोर को तो ओपन ही रखना है, और अपन बाहर से भी उस मतलब बैक साइड से भी अपन उस केज का जो डोर है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हो गया, वो अंदर घुसा, एक क्लिक डोर ऑफ और इस केज इजी पीजी। और ये रैप्टर को तो अपन एकदम इजी केस कर लिए थे, पता ही नहीं था कैसे किस लिया। अपन का पहला रैप्टर है और अपन पहला रैप्टर को ही टेम करेंगे, ठीक है, एकदम अपन का पहला रैप्टर को ही टेम करेंगे, क्योंकि अपन का लाइफ का पहला रैप्टर जिसको अपने केस किया, तब अपन थे केजिंग पे नुबड़ा। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, अब थोड़ा थोड़ा अपन को आइडिया आ गया कैसे केस करना है। ऐसे सोच सकते हो प्रोटरी का अपन ने ढूंढ लिया एंड अपन ने केस करते करते सीख ही लिया कैसे खतरनाक वाला केस करना है। मजे आ गया लिटरली, कुछ करते 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 सीखते हैं तो लिटरली अपन ने भी सीख लिया रैप्टर केजिंग का प्रोटरी। दैट्स इट, सिंपल वे। एंड गाइस लिटरली अब अपन दे देते हैं यहाँ पे बहुत सारा मेट्स एंड अपन इसको कर लेते हैं खतरनाक तरीके से टेम। तो गाइस आज अपन ने बहुत सारा रैप्टरों को तंग किया, लिटरली मजा आ गया। जिंदगी में अपन ने रैप्टर हमको तंग करता है और अपन ने इस बार रैप्टर को इतना तंग किया ना, लिटरली मजा आया। तो गाइस आई होप आप लोगों को इसका खतरनाक सिलसिला पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने पहली बार इतना खतरनाक सिलसिले में काम किया हूँ। ये रैप्टर को केजिंग बोलते यार। ओ भाई चलो यार इस स्पाइनो को मार लेते हैं, स्पाइनो बहुत तंग कर रहा है अपन को इधर आके, क्योंकि गलती से भी उस अपन रैप्टर के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और इसी पीजी केजिंग बोलते मजा आ गया लिटरली। लव यू ऑल, लव यू ऑल एंड 10 सेकंड रेस्ट करके आने के लिए अपन का खतरनाक सिलसिला में आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया एंड लव यू ऑल। तो भाई मजा आ गया यार, क्या बोलूं यार, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना खतरनाक तरीके पे काम मतलब खतरनाक तरीके अपना यार रैप्टर केजिंग बोलते हैं। आप कॉम्पी कहाँ से आ गया, आयो आप लोगों को पसंद आया होगा यार, पसंद आना चाहिए यार, क्या बोलूं यार, मेरे को पता मजा ही मजा आ गया यार। गाइस गाइस लिटरली आप भी ट्राई करो यार, मस्ती आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। हाँ गलती से एक दो बार मर सकते हो तो चलो यार, जो भी बात है उसको गोली मारते हैं एंड आप लिटरली इसको टेम कर लेते हैं। 2-3 रैप्टर के पास ही जाना यार गाइस, एक झुंड हो जाएगा तो यार कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मेरे साथ हुआ था। मेरे को पता नहीं यार मिल नहीं रहा, नहीं तो देखा देता आप लोगों को। तो यार गोली मारो तमाम बातों को एंड अपन फाइनली इसको कर लिया टेम। ओपी बोलते अपन टेम करते करते केस करते करते एकदम सीख लिया फाइनली कैसे एक ही बार में चुटकियों में कुछ ही सेकंड में टेम करना है। और अपन अब देख लेते स्क्रीन एंड अपन स्क्रीन को देख के आई मीन इस ट्रेलर को देख के स्क्रीन को ले लेते हैं एंड इसको ऊपर पहना देते हैं। एंड गाइस मजा आ गया, दिल पे सुकून आ गया, आपने केस किया केस। A few moments later, केसिंग का अलग अलग मजा है। तो गाइस लिटरली आपने इसका एड देख लिया एंड वहाँ पे जो ट्रेलर था एंड अपन को स्किन भी मिल गया, अपन इसको पहना देते हैं। अरे भाई साहब आ जा यार केस से बाहर, अब तो यार मैंने तेरे को निकलने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी बोलते। गाइस आपने बहुत सारा पता है, आप बहुत सारा रैप्टर को ऐसे केस करके मैप में डाल दिया, जो भी देखेगा ना अभी ये कौन आगे वारी और अच्छा जो भी देखेगा ना बोलेगा खतरनाक बोलते, ओपी बोलते, कच्चे फोड़ते, जितने भी गलती से भी रैप्ट मतलब वो तो यार अपने निकल पाएंगे और क्या। हाँ जिसने भी गलती से भी इसको तोड़ेगा ना उसके पीछे रैप्टर पड़ जाएगा एंड इजी पीजी रैप्टर को मार देगा तो और भी मजा आ जाएगा। अरे भाई रैप्टर को मत मार, अच्छा उसको मार रहा हूँ, नो प्रॉब्लम्स एंड आ जा ब्रो तू मेरे पीछे आ जा। एंड वहाँ पे जो और एक रैप्टर अपने केस करके रखा उसका क्या करना है, उसको तो अपन टेम नहीं करना है, एक ही टेम बहुत काफ़ी एंड कॉफी होता है। एंड एक्चुअली मैंने तो ऐसे फालतू में एंड फकट में एंड मजे के लिए किया एंड लिटरली गाइस कितना मजा मेरे को पहली बार किस रैप्टर पकड़ पे कभी नहीं है। इस बार मेरे को लिटरली रैप्टर को तंग करके बहुत बहुत ज़्यादा खुशी मिल रहा है। आप लोगों को भी पता है जब अपन पहले पहले स्पॉन होते हैं ना, जब अपन के पास कुछ भी ठीक ठाक से नहीं होता ना, अरे बच्चों जल्दी आ, तो अब रैप्टर आप लोगों को इतना तंग करता है ना, क्या बोलूं। आई होप गाइस आप लोगों को आज का ये खतरनाक वाला केजिंग पसंद आया होगा, मिलते हैं ऐसे और एक खतरनाक तरीके के साथ। चलो यार माइंड ब्लोइंग तरीका ढूंढते हैं, मिलते हैं और एक खतरनाक तरीके के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड बाय।